यमुना में दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक हमने जल मार्ग का डीपीआर भी बना लिया है और मेरा विश्वास है कि आने वाले साल में दिल्ली से ताजमहल देखने के लिए हम रोड से नहीं, हम जलमार्ग से जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हम कर सकेंगे। पानी पर उतरने वाले हवाई जहाज भी हमने उसकी भी ट्रायल दी है और अब प्रयागराज से वाराणसी तक हम ऐसी बोट शुरू कर रहे हैं कि जो जिसका इंजन हमारे टोयोटो कंपनी के लैंड क्रूजर जो गाड़ी आती है उसका है। हमने केवल गंगा में काम नहीं किया तो गंगा की जो 40 उपनदियां हैं, यमुना है, हिंडन है, राम गंगा है, काली नदी है, गंडक है, सभी नदी नालों पर भी हमने काम किया है। इस समय कुंभ में जो भी जा रहे हैं वो स्नान करने के बाद इतना पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, अविरल है कि सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गंगा को निर्मल भी बनाएंगे और गंगा को स्वच्छ भी बनाएंगे, अविरल और निर्मल बनाकर हम 100% ये पवित्र गंगा को शुद्ध और स्वच्छ करके भारत को समर्पित करेंगे। देश ने जातिवाद और सांप्रदायिकता की बात करने के बजाय